हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एलईडी टीवी बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास ये इसका टीकोन बोर्ड है। टीकोन बोर्ड तो खैर रेडी दोस्तों, और ये हमारे पास इसका बोर्ड है, और ये इसमें दोस्तों अलग से मॉड्यूलर सप्लाई लगाई गई है बैकलाइट के लिए। तो दोस्तों ये इस एलईडी टीवी में बैकलाइट तो ओके है, बैकलाइट ओके है, लेकिन वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये जो हमारी टीकोन बोर्ड है इसमें सप्लाई तो आ रही है, टोटल सप्लाई आ रही है, VGL, VGH, VCOM, AVDT सारे वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जैसे हम इस पैनल को लगाते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं, तो हमारी ये टीकोन बोर्ड की सप्लाई ड्रॉप हो जाती है और प्रोटेक्शन मोड में चल जाती है दोस्तों हमारी ये DC to DC IC टीकोन बोर्ड की। तो हम इसे रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसका मॉडल है, इस एलईडी टीवी का मॉडल नंबर है LC, देखिए LC320DXY SH A1 ये मॉडल है दोस्तों। तो इसे हमने पूरा डिटेल से चेक किया कि इसकी साइड कोप कहीं बर्न तो नहीं हो गई। तो ये इसकी साइड कोप है दोस्तों, बाकी ये भी कहीं से बर्न नहीं हुई है, और दो साइड कोप हैं इसमें, दो कोप लगी हुई हैं इसमें कोपाई से। देखिए साइड कोप तो खैर इसमें है ही नहीं है इस डिस्प्ले में, तो यही दो कोप लगी हुई हैं। ये भी दोस्तों कहीं से बर्न नहीं है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट कंडीशन में है। इसे हमें रिपेयर करना है, तो इसे हम चेक करके देखते हैं। इसे हमने चेक किया दोस्तों और ऑन कर रहे हैं, फिर भी वाइट डिस्प्ले आ रहा है। देखिए इसका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, मॉडल और मेड इन चाइना है, और इसमें LG पैनल करके लिखा है, LG डिस्प्ले लिखा है दोस्तों, सही बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये LG डिस्प्ले लिखा है दोस्तों इसमें, पर ये LED टीवी में वाइट स्क्रीन आने के कारण हम इसे रिपेयर करके देखते हैं कि हमारा स्क्रीन बैकलाइट तो ओके है लेकिन स्क्रीन में वाइट आ रहा है दोस्तों। तो इसकी शॉर्टिंग हटाएंगे हम, देखते हैं इसकी CKV लाइन में मिसिंग है या कोप IC से मिस कर रही है। शॉर्टिंग को हटाने के बाद में हम इसे चेक करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक LED हेल्प इन्फो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये इसमें अलग से मॉड्यूलर बैकलाइट के लिए लगाया गया है, मॉड्यूलर इसमें पिक करके रखा है किसी मिस्त्री ने। तो बैकलाइट ओके हैं लेकिन वाइट डिस्प्ले है, इसे ही हमें रिपेयर करना है, और DC to DC IC बिल्कुल ओके दोस्तों, सारे वोल्टेज बन रहे हैं इसमें, लेकिन जैसे हम पैनल का इसको लगाते हैं, पैनल को कनेक्ट करते हैं इससे, तो हमारी DC to DC IC प्रोटेक्शन मोड में चल जाती है और वर्क नहीं करती दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।